कोई फरहाद के बगैर आता नहीं अपन कोई उस्ताद के बगैर आता नहीं अपन कोई उस्ताद के बगैर जनाब सदर मेरे मौजूदा साहबजा कराम अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लघुशाही करने का मौका मिला है वह है उस्ताद की अहमियत। जनाब सदर अल्लाह ताला ने इंसान की तकलीफ को आसान तकलीफ फरमाया मुस्तकबिल का यकीन शाहकार दुनिया रंगोबू मालिक कायनात की नियाबत का हकदार भी ठहरा अशरफ नखलू पाक मस्जिद मलाइका खलीफतुल्लाह फिल अर्ज से मुतसिब हजरत इंसान ने ये सारी की सारी अजमतें और रिफतें सिर्फ और सिर्फ इल्म की वजह से हासिल की वरना इबादत रियादत इताअत फरमाबरदारी फरिश्ते का मार रखते थे। इन निशान को अल्लाह ने कुरान पाक में यूं बयान फरमाया कि वो अल्लाह की किसी बात की नाफरमानी नहीं करते थे। जनाब सदर यह अल्लाह की हकीकत है कि रसूल इल्म दर्द में शायद समय कई खास जरा से मुमकिन होती है इन में मरकज मकाम उस्ताद और मुअल्लिम का ही है जिसके बगैर सियाक में मरकज की तशकील नामुमकिन है। उस्ताद ही वान शख्सियत है जो तालीम और तरबियत का मरकज और मुहावर है तरक्की यात्रा कम और मध्यम मात्रा में उस्ताद को नुमाया हैसियत हासिल होती है क्योंकि पूरा मन उसके अंदर नाटक का कयाम उस्ताद जी की मरहूम मन्नत है। उस्ताद का मकाम और मर्तबा किसी से ढका छुपा नहीं उस्ताद एक अजीम हस्ती और इंसानियत के मोहतरम जात है। दुनिया ने चाहे उस्ताद हकीकी कदर मंजिल का एहसास किया हुआ ना लेकिन इस्लाम ने बहुत पहले ही इसकी अहमियत को उजागर किया और इससे आपने लोगों को आशना किया और खुद